हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलाइका आसिफ और आज का ब्लॉग है हमारा कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ओरिएंटेशन के बारे में। सो गाइस, हम डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा अपना मेकअप ही रिकॉर्ड करती और अपना आउटफिट भी दिखाती। सो, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सेव कर लेंगे। अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस में। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे कुछ कार्ड्स अगर तो आप हैं पहले से यहाँ के स्टूडेंट, एल्स आपको दिखाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो कि आपको एडमिशन मिलने के बाद मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहुँच चुके हैं यूनिवर्सिटी और अब हम जा रहे हैं अंदर। बेसिक टिप ये है सब आने वालों के लिए कि अगर आपको बाय पार्किंग मिल रही है तब भी आप बाहर गाड़ी पार्क ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि है जी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नहीं है जब आपको आदत हो जाए, बट फर्स्ट टाइम आने के लिए बहुत बड़ी है और चलते चलते आप जाएंगे थक। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है गाड़ी को अंदर ले आएँ और फैकल्टी एरिया में पार्क करें जो कि है डायरेक्टली हमारे कैफेटेरिया की बैक पे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन हमें बहुत लेट, सो हम जाएंगे डायरेक्टली अपनी क्लास में। हमें बहुत मुश्किलों से पार्किंग मिली है, तो प्लीज़ गाइज आप सब थोड़ा सा जल्दी आएंगे। और यहाँ है हमारा कैफ़े जिसके बारे में हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट जस्ट टू मेक यू गाइज एक्साइटेड इसलिए। अच्छा, तो ये हमारी फैकल्टी की पार्क और साथ साथ है हमारा सामने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी क्लास में और ओरिएंटेशन हो चुकी है स्टार्ट। आई वॉज अ बिट लेट लेकिन ऑन टाइम। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई वॉज राइट वैन द रेसिटेशन स्टार्टेड। सो लेट्स गो। अच्छा, तो गाइस ओरिएंटेशन बेसिकली होती है आपको आपकी फैकल्टी, आपके स्टाफ के बारे में बताने के लिए, आपके सेमेस्टर कैलेंडर के बारे में, आपके टाइम टेबल के बारे में और आपके अंडरग्रेड प्रोग्राम के बारे में और आपके पास कितने कैंपसेस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, इस सब के बारे में। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, इवेंट्स के बारे में, डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में और बहुत सारी और गाइडलाइन जो हर बच्चे को यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले ज़रूर चाहिए होती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर जाएं ओरिएंटेशन पे, बिकॉज इट्स अ लॉट यू वुड नो एंड नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू दैट लेटर। वंस यू स्टेप इनटू द यूनिवर्सिटी नोबडी इज़ गोना हेल्प यू ओवर इट।
सबसे जब आप फारिग हो जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया जाएगा पूरे के पूरे कैंपस का विजिट। बी श्योर आप चौकर ज़रूर पहने क्योंकि आप थक जाने वाले हैं। अदर देन दैट बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहें बताई जाएंगी आपको, जैसे कि आपको बताया जाएगा आपके काउंसलर का डेस्क कहाँ है, आपका डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी है वो कहाँ बैठेंगे, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कहाँ बैठेंगे एंड ये सब। अब हम आ चुके हैं उस वाले डिपार्टमेंट से बाहर और जाने लगे हैं अपनी कैंपस की मेन लोकेशन पे जो के है हमारी लाइब्रेरी, द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल यूनिवर्सिटी। तो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। जी हाँ, ये है हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का सेकंड फ्लोर। बहुत पीसफुल लग रहा है जबकि इतना होता नहीं है। इस सब टूर के बाद हम सब बहुत थक चुके हैं तो अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी की बेसमेंट में फॉर सम रिफ्रेशमेंट जो कि हमें दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो गाइस, कुछ खाने का मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। अब टाइम है कैंपस कार्ड की तस्वीर का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस दिन का भी और आपकी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ का, बिकॉज दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर यूनिवर्सिटी की तरह होती है हमारी यूनिवर्सिटी में भी रैगिंग जो कि आप देख ही रहे हैं। आपको यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल एंड पे भी नहीं छोड़ते, जब आप घर जाने लगते हैं तब भी ये सब होता है, तो आपने इसके लिए भी रेडी होके आना है। और अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत लकी हैं और आप बच गए हैं पहले दिन सबसे, तो गाइज़ ये काम आपके साथ क्लास में भी होगा, इसलिए आप सब ने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। किसी ने इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना क्योंकि अगले साल या अगले सेमेस्टर आप भी इन्हीं लोगों में से होंगे जो अपने जूनियर्स की रैंकिंग करेंगे। और अब हमें लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख तो हम आ चुके हैं KFC ताकि हम कुछ खाएं और अपनी एनर्जी बहाल करें। एंड इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट डे जो कि हमारा बेसिक फर्स्ट डे है। यहाँ पे हम अपने बस स्टॉप से उतर चुके हैं, अपनी क्लास की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिक एंट्रेंस है उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। मैं एंटर हो चुकी हूँ अपनी क्लास में जो कि है खाली क्योंकि मैं आई हूँ सबसे पहले। और अगर आप लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि आप लोग बस में आएंगे तो बी रेडी, आप भी हमेशा खाली क्लासरूम में ही आया करेंगे। यहाँ पे मैंने सोचा कि हमें चाहिए कि हम कैंपस का थोड़ा विज़िट करें, तो हम आ चुके हैं अपने आर्ट्स एंड डिज़ाइन वाले साइड पे जहाँ पे फाउंडेशन की क्लासेस का एरिया है और ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी इज़ फुल ऑफ फ़न। इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट टू स्टडी एंड हैव फन, यू गाइज़ कैन हैव एवरीथिंग जस्ट अंडर वन रूफ। यहाँ पे हम अपने कैफ़े की एंट्रेंस पे बैठे हैं जहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ है। सो अगर आपको अपने बस में सीट चाहिए तो आपको आना पड़ेगा टाइमली अपने बस स्टॉप पर जी, बिकॉज ये अभी सिर्फ आधा रश है, इससे भी ज़्यादा रश होता है व्हेन यू कम बैक। तो प्लीज़ सीट सिक्योर करें क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और अक्सर घर जाते जाते ये टाइम भी हो जाता है। गाइस देख सकते हैं आप, रात हो चुकी है, बल्कि रात के भी आई गेस 7:30 बज चुके हैं। काफ़ी लेट हो गया है और ये व्लॉग यहाँ पे एंड करने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।